सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो युनः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः शुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना पूर्वक हम योग की क्रियात्मक साधना में प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट का तो व्यायाम करें और सुबह 20 मिनट अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे तीव्र व्यायाम करना चाहिए कि एक बार पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाए। मैं रोज लगभग 3 से 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, 10 मिनट लगते हैं, 8-10 मिनट में पूरे शरीर से पसीना चूने लगता है। तो एक बार सुबह आपके माथे से लेकर के पूरे शरीर में पसीना चूना चाहिए। इसके 4-5 बड़े लाभ हैं। सुबह तेज व्यायाम कर लेने से एक तो 100 साल तक आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहेगा और आप अपने आप को कभी बुढ़ा वृद्ध अनुभव नहीं करेंगे। एक बात, दूसरी बात, ये साइंटिफिक रिसर्च हुआ है कि जो 20 मिनट तीव्र व्यायाम तीव्रता का अभिप्राय अपने अपने सामर्थ्य, कोई बच्चा है कोई जवान है थोड़ा उम्र बढ़ रही है तीव्रता उसके अकॉर्डिंग है। ऐसा करने से न मोटापा बढ़ेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, न बीपी न शुगर न कोलेस्ट्रॉल न गैस न कब्ज न एसिडिटी न अनिद्रा न तनाव मंदाग्नि इंडाइजेशन बहुत तरह की प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी का कम होना क्रिएटिविटी पॉजिटिविटी का कम होना ये सब नहीं होगा, तो लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होंगे। दूसरा लाभ, तीसरा लाभ,
आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। आजकल पतंजलि ने भी वो स्क्रब निकाल दिए हैं, जो बड़े घरों की माँ बहन बेटियाँ हैं और जो भाई बहुत कॉन्शियस हैं कि मैं सुंदर दिखूं, तो ना स्क्रब करते हैं और बड़े महंगे महंगे आते हैं, तो चेहरे पर लगाएंगे, बॉडी पर भी कई तरह से ये कार्यक्रम चलते हैं, फेस से लेकर के, फेस की ज़्यादा चिंता रहती है लोगों को, लेकिन जो व्यायाम करते हैं उनके पूरे शरीर की चमड़ी का रंग ऐसे होता है जैसे माँ की कोख से तुम पैदा हुए थे वैसे ही तुम्हारी चमड़ी का रंग 100 साल तक रहेगा। अरे साहब, इसके लिए कितना दुनिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं कि मैं तो जवान दिखूं ही, मेरी चमड़ी भी जवान दिखे। ये चमड़ी का, चमड़ी और दमड़ी, यही दो चक्कर है लो ये दुनिया। मैंने स्किन एंड प्रॉस्पेरिटी, ये दो का चक्कर बहुत ज्यादा है। तो चेहरे से लेकर के पूरे शरीर की जो चमड़ी है ना, वो एकदम बच्चे जैसी रहेगी। अगली बात, खड़े हो जाओ। व्यायाम से आलस्य जीवन का सबसे बड़ा दोष है। आलस्य क्या है बोलो? व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दोष है आलस्य, प्रमाद। मेरे साथ बोलो, प्रमादो मृत्यु, अप्रमादो अमृत पदम, अकर्मादस्यु। जो कर्म नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमाद में जीते रहते हैं, वो राक्षस है, वो इंसान नहीं, वो हैवान है, शैतान है। जब आप सुबह सुबह योगाभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन से अकर्मण्यता, आलस्य का दोष निकल जाता है। अरे साहब, कितनी अच्छी बात है। चलो लास्ट एंड फाइनल, आपका शरीर ना बहुत सुंदर हो जाता है, चमड़ी तो होती होती है, आपकी भुजाएं देखो ऐसी सुंदर, कुछ ना सुबह से शाम तक ऐसे दिखते रहते हैं, मेरा सीना, मेरी भुजाएं, जंघाएं, बॉडी का ना एक एक मांसपेशी नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी मांसपेशियां, पूरा शरीर बहुत खूबसूरत हो जाता है। ये जो सुंदर लोग है ना, वैसे इतने इतराते रहते हैं, ये भी इतराना नहीं, योग प्रदर्शन के लिए नहीं है, योग प्रभु दर्शन के लिए। किसके लिए बोलो? फिर से बोलो। तो भगवान ने किसी को बहुत सुंदर शरीर दिया हो, अरे आप बना भी सकते हो, हाँ, सुंदर शरीर, सुंदर काया, फिर धन माया, बुद्धि का ऐश्वर्य, किसी में बहुत ज्यादा प्रखर बुद्धि और नॉलेज और स्किल हो, डिफरेंट प्रकार की एक्सपर्टीज हो, आप बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, बहुत आपके पास ज्ञान है, कुशलताएं हैं, उससे आप अपने आप को ही बहुत महान और दूसरों को दीनहीन निकृष्ट मानो अनुभव नहीं करना। ये तो पहला अभ्यास है, फिर यह दूसरा, हम सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सभी ईश्वर की संतान है, सभी में एक सच्चिदानंद परमात्मा है। इस भाव चेतना में योगी जीता है। लंबे लंबे श्वास, एक नियम ले लो, एक प्रतिज्ञा, एक व्रत, एक संकल्प, मुझे रोज अपने अपने, जैसे जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र बड़ी हुई है, वे ऐसे 20 मिनट वो ऐसे ही कर लेते हैं, उनके दिल यही तेजी है, ऐसे 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 कर ले, हाँ जो जान है वो ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे। तो फिर ये अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार रोज 20 मिनट तेज व्यायाम करना, इससे सस्ता और कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता। 20 मिनट रोज दो,
और 100 साल तक जवानी मुफ्त में। अरे इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। 20 मिनट का व्यक्ति क्या करता है, जिंदगी भर वेल्थ वेल्थ इकट्ठी करता रहता है, पैसे कमाए 10-20 लाख, 50 लाख, 1-2-5 करोड़, 10 करोड़ कमाए, फिर हो गया बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, घुटने साथ नहीं देते, कमर साथ नहीं देती, दिल साथ नहीं देता, दिमाग तो कंट्रोल में नहीं रहता, हार्ट अटैक हो जाता है, SLMS ऑटोमेन डिजीज हो जाती है, कैंसर हो जाता है। फिर वो जितना कमाया था वो सारा का सारा हेल्थ को अच्छा करने में खर्च करता है। तो भैया हेल्थ और वेल्थ का बैलेंस रखो। कितने ही बड़ी वेल्थ हो आपके पास, भैया ये प्रकृति का विधान, भगवान का विधान अपने अलग ढंग से काम करता है। जाना तो है एक दिन सबको, लेकिन 100 साल तक आनंद से मस्ती से जिंदगी को जीते हुए फिर दुनिया से जाएं। जीना भी मस्ती से आनंद से है और जाना भी आनंद से है। इसके लिए ये योग और उसमें 20 मिनट का व्यायाम, कितनी देर का, ये 4वीं अभी तो 500 ऐसे, जिनकी उम्र ज्यादा है वो इतना करना। और जो जवान है वो पूरे बैठ जाना, लेकिन बैठ के उठना भी है। छोड़ आलसी राग अमृत बरस रहा, छोड़ आलसी राग अमृत बरस रहा, सुबह हुई अब जाग अमृत बरस रहा, सुबह हुई अब जाग अमृत बरस रहा, छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा, छोड़ आलसी राग अमृत बरस रहा, सुबह हुए अब जाग अमृत बरस रहा, सुबह हुए अब जाग अमृत बरस रहा। जीवन में रस भर ले, हर धर्म भव सागर तर ले, नीरस जीवन में रस भर ले, धर्म धर्म भव सागर तर ले, धार धर्म भव सागर तर ले, तज मिथ्या अनुराग ओ तज मिथ्या अनुराग अमृत बरस रहा, सुबह हुए अब जाग अमृत बरस रहा, सुबह हुए अब जाग अमृत बरस रहा। श्वासों के
परोपकार का लक्ष्य बना ले, ऊंचा अपना हाथ उठा ले। परोपकार का लक्ष्य बना ले, ऊंचा अपना हाथ उठा ले। शुभ कर्मों में लाग अमृत बरस रहा, शुभ कर्मों में लाग अमृत बरस रहा। सुबह हुए अब जाकर अमृत बरस रहा, ओ सुबह हुए अब जाग अमृत बरस रहा। अब सूर्य नमस्कार करना है, जितना बन पाए कोशिश करो। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, ऋषि मुनियों ने यही बताया। ये सर्वांगीण व्यायाम है, सर्वांगीण व्यायाम, पूरे शरीर का, हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़ और आकर्षक बनाना है। देह को दिवाला शिवाला बनाना है। अरे देखो भगवान राम जी का शरीर, ओ हनुमान जी को देखो सुबह सुबह। और हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों जैसा हो, जैसा स्वास्थ्य, श्वास बात छोड़ा आगे झुको। ये भगवान का सबसे बड़ा उपहार सौगात ही शरीर, देह को ऐसे बेकार मत करना, जिससे जितना बन पाए कोशिश करो। ओ बड़े भाग से नर्तन पाया, ऋषि मुनियों ने यही बताया। ओ तन मन, हाँ बड़े भाग से नर्तन पाया, ऋषि मुनियों ने यही बताया। रखना इसे बेदाग अमृत बरस रहा, रखना इसे बेदाग अमृत बरस रहा। ओ सुबह हुए अब जाग अमृत बरस रहा, सुबह हुए अब जाग अमृत बरस रहा। तो तुम्हारी भुजाएं, तुम्हारी जंघाएं, हाथ पैर पेट पीठ, पूरा शरीर और बहुत सुंदर बन जाएगा। फिर 12 दंड 8 बैठक है ना, उसमें एक एक दो दो लगा लिया करो। जैसे ये बैठक में ऐसे कर लिया करो, ये पहला। जो बड़े हैं ना, थोड़े घुटने कमजोर पड़ गए तो ऐसे कर ले, और जो जवान है वो ऐसे। तन मन बल संयम को बढ़ा ले, ध्यान योग में चित्त लगा ले। सुनो, बैठो, ऐसे बैठो, 8 बैठक है उसमें एक ही कर लेना, 2 कर लेना। और दंड है ना, इसमें साधारण दंड लगा ले रहे, या तो साधारण दंड तो सबको पता है ना, ऐसे, ये ऐसे बस 100 बार कर ले, 100 बार, ये
तन मन बल संयम को बढ़ा ले, ध्यान योग में चित्त लगा। और सुनो, ये लास्ट वाले दो तो सब कर लेना, 12 हैं वैसे, देखते रहते हो आप मुझे, इसमें दो जरूर करवाता हूँ। अब एक तो साधारण था, एक है ये वक्ष विकासक, उसको अंग्रेजी में डीप से लगाना बोलते हैं। उसने भुजाएं बड़ी मजबूत, भुजाएं चौड़ी चौड़ी, सिरा चौड़ा चौड़ा, और कमर सकड़ी सिकुड़ी सी कसी हुई। ये वक्ष विकासक और मिश्र दंड 25-25 बार सबको करने मेरे साथ। खबरदार, होशियार, चलो लगाओ, बोलो भारत माता की। चलो नीचे से। बार हो गया ऐसे, 25 बार ऐसे कर। मुझे देख देख करके तुम कहीं ज्यादा ना करने लग जाओ। चलो इसलिए ज्यादा नहीं करता। आपने भी कह रहे मेरे साथ साथ, मैंने आपको देखा नहीं था। कैसे सीध में एक ना, ऐसे कुछ ना, ऐसे एकदम सीध में रखना, गर्दन कमर पेट पीठ। तन मन बल संयम को बढ़ा ले, ध्यान योग में चित्त लगा ले। चलो ये 25 कर। सच्चा वैराग अमृत बरस रहा, ओ सुबह हुए अब जा, हुए अब जाग अमृत बरस रहा, छोड़ आलसी राग अमृत बरस रहा, छोड़ नींद का राग अमृत बरस रहा, सुबह हुए अब जाग 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 अमृत बरस रहा, अमृत बरस रहा, अमृत बरस रहा, अमृत बरस रहा। एक बार ऐसे पूरा पसीना चूना चाहिए। आया एक बार पूरे पसीने से नहा लो। बोले बाबा जी, हमको तो अमृत पिला दो, कोई ऐसी संजीवनी दे दो, कोई ऐसा अमृत फल दे दो कि वो अमर हो जाए। ये अमृत टपक रहा है, ये पसीना है ना, पैर सीधे सूक्ष्म एम ही कर लो। चलो और कुछ नहीं होता है तो अमृता पिया करो गिलोय। कुछ तो हमारे मेगा स्टोर संचालक, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, जो अपने जितने भी स्टोर्स हैं, इसके जो चलाने वाले हैं ना, वो खुद अच्छी अच्छी चीज़ें प्रयोग नहीं करते, दूसरों को तो कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। खुद रोज गिलोय पिया करो, रोज आंवला एलोवेरा पिया करो, किसी दिन गिलोय ना मिले ताजी तो गिलोय की गोली खाया करो, ये अमृता है। हाँ, इससे तुम 100 साल तक मरोगे नहीं, वैसे उसके बाद ज़्यादा दिन तक जीने की सोचना भी मत, दूसरे भी तो लोग आने हैं धरती पर, थोड़ी तुमने परमानेंट कब्जा करने का सोच रखा है। लंबे लंबे श्वास, ये सूक्ष्म है वैसे, ये सूक्ष्म है भी ठीक से हो जाए ना, और ऐसा बड़ा आनंद आता है, आगे पीछे पूरा जाना है। लंबे लंबे श्वास, Oof.
ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, फिर ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम जिसका जितना सामर्थ्य हो उतना कर लेना, और लंबे लंबे श्वास और चेहरा मत बिगाड़ना, कुछ लंबे लंबे सांस लेते हैं ना, तो ऐसे क्यों करते हो, पता नहीं कैसे बिगाड़ेंगे, चेहरा आंखें ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं करना, राजी राजी करो, कुछ भस्त्रिका का भी करेंगे कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करना, कितनी जोर से कर लो चाहे कुछ, ऐसे करना, ऐसे नहीं किया करो, पूरी बॉडी सेट हो जाती है, बटरफ्लाई बॉडी अपसेट, माइंड अपसेट, नींद भी अपसेट, पेट भी अपसेट, घर भी अपसेट, बिजनेस भी अपसेट, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे माइंड, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे एक्शंस अपसेट होंगे, तो कैसे सेट होगे तुम लाइफ में, किसी भी जवान से पूछो आज ये लाइफ में बस सेट होना चाहते हैं, और ये सेट होना किसको बोलते हैं, एक बेढंगा सा आदमी, एक बेढंगी सी बहन, मैंने ढंग तो है नहीं जीने का, बोले हम दोनों मिल गए, हमारी फैमिली सेट हो गया, रहा तुम अपसेट घूम रहे हो, मुन्नू जी मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मैं सेट हो जाएंगे, हस्बैंड के तो वैसे बैंड बज रहे हैं पहले से ही, तुझे क्या सेट करेगा वो खुद अपसेट है, जिसकी बॉडी, जिसका माइंड, जिसके थॉट्स, जिसके एक्शंस बैलेंस नहीं है, सेट नहीं है, वो सेट नहीं हो सकता।